आज आम डिस्कसन करवा कन्वर्सन कालरेडी इमिडियट इनफरेन्स विषय में कही सारी आज आम डिस्कसन करवा कन्वर्सन सो कन्वर्सन डेफिनेशन विषय में कल अलरेडी कही सारी कन्वर्सन इज ए फर्म अफ इमिडियट डिडक्टिव इनफरेन्स इन व्विच द सब्जेक्ट अफ द प्रेमिस बिकम्स द प्रेडिकेट अफ द कन्फ्यूजन एंड द प्रेडिकेट अफ द प्रेमिस बिकम्स द सब्जेक्ट अफ कन्फ्यूजन एंड द प्रेमिस अफ कन्वर्सन इज नोन एज कन्वर्टेड एंड द कन्फ्यूजन इज नोन एज कन्वर्स आज आम जाना रूल्स अफ कन्वर्सन एंड कन्वर्सन अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रपोजिशन सो फास्ट रूल द सब्जेक्ट अफ कन्वर्टेड बिकम्स द प्रेडिकेट अफ कन्वर्स एंड द प्रेडिकेट अफ कन्वर्टेड बिकम्स द सब्जेक्ट अफ कन्वर्स लक्ष्य कर इन ए प्रपोजिशन हूँ कन्वर्टेड जोटा कि अल एस इज पी यार कन्वर्सन हो कन्वर्स हूँ आई प्रपोजिशन सम पी इज एस ये लक्ष्य कर यार सब्जेक्ट एस प्रपोजिशन टा कन्वर्स प्रेडिकेट इज आ प्रेडिकेट पी पी टर्म टा कन्वर्स सब्जेक्ट इज आम फर्स्ट रूल टा देखिले सब्जेक्ट अफ कन्वर्टेड बिकम्स द प्रेडिकेट अफ कन्वर्स एंड अ प्रेडिकेट अफ कन्वर्टेड बिकम्स द सब्जेक्ट अफ कन्वर्स नेक्स्ट रूल द क्वालिटी डज नॉट चेंज इन कन्वर्सन कन्वर्सन क्वालिटी टा चेंज हुए ना क्वालिटी अनुसार प्रपोजिशन को दुई भाग विभक्त कराई जथा एफर्मेटिव एंड नेगेटिव एठी किंतु उभय जगार आम अफर्म कर उभय जगार सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट को अफर्म कर डिनाय करनी कारण कौन सी प्रपोजिशन प्रेमिस कि कनक्लूजन नेगेसन ना नट यूज हो ना द टर्म व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्टेड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्स जो टर्म टा कन्वर्टेड डिस्ट्रीब्यूट होना से कन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट हो पारना ए प्रपोजिशन आम जानते रूल्स अफ डिस्ट्रीब्यूशन अफ टर्म्स अनुसार ए प्रपोजिशन सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड तेणु एठार एस द टर्म एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउ कन्वर्स कन्वर्टेड पी टर्म टा डिस्ट्रीब्यूट होना लक्ष्य कर कन्वर्स आई प्रपोजिशन पी टर्म टा डिस्ट्रीब्यूट होना जो टर्म टा कन्वर्टेड डिस्ट्रीब्यूट हो सेटा कन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट हो पारे कि न हो पारे किंतु जो टर्म टा कन्वर्टेड डिस्ट्रीब्यूट होना से कन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट हो पार ना थर्ड रूल अनुसार एवं देखा कन्वर्सन अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रपोजिशन आम जानले ए प्रपोजिशन कन्वर्सन हूँ आई प्रपोजिशन तीन टा रूल को मैचिंग कलापर आम जानले ए प्रपोजिशन कन्वर्स हूँ आई प्रपोजिशन दिस इज अल्सो नोन एज पार्शियल कन्वर्सन बिकज योर क्वांटिटी इज नॉट सेम अगेन क्वांटिटी अनुसार प्रपोजिशन को दुई भाग विभक्त कराई जथा यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर यूनिवर्सल प्रपोजिशन आरंभ में ऑल थाए पर्टिकुलर प्रपोजिशन आरंभ में सम थाए एठी कौन हो यूनिवर्सल आम पर्टिकुलर को ट्रांसफर होती तेणु क्वांटिटी सम हो क्वांटिटा चेंज होल्लु सम करेणु क्वांटिटी चेंज हो सो दिस इज नोन एज पार्शियल कन्वर्सन अगेन द कन्वर्सन अफ इ प्रपोजिशन नो एस इज पी कन्वर्टेड कन्वर्स नो पी जेस दिस इज अल्सो नोन एज सिंपल कन्वर्सन बिकज हियर द क्वांटिटी इज सेम एठार क्वांटिटी सामान रोचे कारण इ प्रपोजिशन इज यूनिवर्सल नेगेटिव एंड इज कन्वर्स अल्सो इ प्रपोजिशन दैट इज अल्सो यूनिवर्सल नेगेटिव तेणु एटा कहा जाए सिंपल कन्वर्सन देन आई प्रपोजिशन को सिंपल कन्वर्सन कह जाए कारण एठार क्वांटिटी सामान रोचे द कन्वर्सन अफ अ प्रपोजिशन इज नॉट पॉसिबल बिकज इट डज नॉट फॉलो द रूल्स अफ कन्वर्सन कन्वर्सन अफ अ प्रपोजिशन ये संभव नुहे कारण यह कन्वर्सन थर्ड रूल टा को फॉलो करे ना देख सम एस इज नॉट पी एटार पी टर्म टा डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वर्टेड पी टर्म टा डिस्ट्रीब्यूटेड किंतु एस टर्म टा डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना किंतु सम पी इज नॉट एस कन्वर्स एस टर्म टा डिस्ट्रीब्यूट होउछ तेणु एटा थर्ड रूल जोटा कि द टर्म व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्टेड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्स ए रूल टा को फॉलो करू ना तेणु कन्वर्सन अफ ओ प्रपोजिशन इज नॉट पॉसिबल आज आम कन्वर्सन विषय जानले नेक्स्ट वीडियो रे ओवर्सन विषय जानवा थैंक यू सब्सक्राइब माय चैनल शेयर माय चैनल थैंक यू।